इन प्रीवियस टू लेक्चर वी डील्स विद द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन इन विच सम लॉ स्टडीज बाय अस एंड टुडेज इज द लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम इट इज वेरी सिंपल रूल व्हाट इज द रूल ऑफ लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम इट इज गिवन बाय द गेलुसेक क्लियर इट इज ऑल्सो नोन एज द गेलुसेक लॉ दिस रूल सेज दैट In gaseous reaction at same temperature and pressure, reactant combined with simple ratio of product. कि reactant आपस में जो combine होंगे वो एक simple ratio के अंदर होंगे लेकिन यहाँ से आप क्या करोगे gaseous reaction के लिए apply है ये इन ए gaseous reaction. The point to be noticed here which is the gaseous reaction. In gaseous reaction, same temperature and pressure रिएक्टेंट कम्बाइंड विद सिंपल रेशियो ऑफ प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट के भी सिंपल रेशियो में होंगे खुद भी कैसे होंगे सिंपल रेशियो में फॉर एग्जाम्पल एच टू गैस प्लस सी एल टू गैस कन्वर्ट इन टू टू एच सी एल गैस इज दैट क्लियर वाट इज द रिएक्शन रिएक्शन इज द एच टू गैस एंड दिस इज सी एल टू गैस दिस इज द टू एच सी एल वाट इज द स्टाइकोमेट्रिक कोफिशियंट इसका जो कोफिशियंट है वो कितना है वन है इसका भी कितना है वन इट हैव द टू सो वी कैन से वन वॉल्यूम ऑफ एस टू कंबाइंड विद टू वन वॉल्यूम ऑफ सी एल टू एंड गिवज द टू वॉल्यूम ऑफ एस सी एल इज दैट क्लियर सपोज ये मेरे पास कितना होता 50 एम एल होता This is one mole and this is the one volume and this is the one volume. So we can say the one volume of S2 combined with the one volume of Cl2 and it produces the two volume of HCl. Suppose the volume of S2 is the 50 ml. This then we can say this is the one volume combined with the one volume of the Cl2 and it produces the two volume of HCl. Is that clear? So we can say. यदि ये मेरे पास कितना है वन वॉल्यूम इसके साथ कंबाइन हो रहा है सी एल टू के साथ वन वॉल्यूम देन वी कैन से द 50 एम एल वॉल्यूम कंबाइन विद 50 एम एल वॉल्यूम ऑफ सी एल टू एंड इट प्रोड्यूस द 100 एम एल वॉल्यूम ऑफ एस सी एल इज दैट क्लियर रूल बहुत सिंपल है इसमें आपको सिर्फ यही देखना है कि कौन सा कितना वॉल्यूम है उसी वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में अपन क्या कर सकते हैं इनको कैलकुलेट कर सकते हैं सपोज दिस इज द 50 एम एल सपोज द फॉर्मेशन ऑफ एस सी एल इन दिस रिएक्शन इज द 50 एम एल देन व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द एच टू गैस एंड सी एल टू गैस वी नो दैट टू मोल ऑफ दिस प्रोड्यूस बाय द वन मोल ऑफ सी एल टू एंड वन मोल ऑफ एच टू सो वी कैन से इट इज द 25 एम एल एंड इट इज द It is also the 25 ml. Is that clear? Then look for the other reaction. Next example लेते हैं अपन इसके अंदर. Suppose मेरे पास क्या है N2 gas है. React with 3 H2 gas and it generate the 2 mole of NH3. What is the criteria of the reaction? We can say the यहाँ पे one है तो क्या हो जाएगा ये? When one volume of N2 produce when one volume of N2 react with three volume of H2 then it produce the two volume of NH3 clear अब suppose examiner आपको ऐसा कह दे कि ये कितना है आपके पास 60 volume है कितना है 60 volume clear तो ये 60 है तो ये कितना होगा it is the 1/3 देखो ये वन है तो ये थ्री होगा और ये थ्री है तो मैं ऐसा कह सकता हूँ इट इज द वन बाई थर्ड वॉल्यूम ऑफ एस टू वन बाई थर्ड वॉल्यूम ऑफ एस टू सो वी कैन से एक वॉल्यूम किसके इक्वल होगा 20 एम एल के इक्वल होगा अब एक वॉल्यूम आपके पास ये है तो इससे कितना वॉल्यूम का फॉर्मेशन हो रहा है टू वॉल्यूम का सो वी कैन से इट इज द 40 एम एल NH3 produce in this reaction. और यदि इसकी बात करें अपन NH3 की बात करें तो NH3 is the 3/2 volume. NH3 के कितने मोल बन रहे हैं 2 मोल बन रहे हैं इसके कितने थे आपके पास 3 मोल हैं तो सॉरी 2/3 होगा ये कितना होगा 2/3 volume of NH3 produce. Clear?
लेट्स इसके एग्जांपल, इसके कुछ न्यूमेरिकल्स हैं अपने पास, उन न्यूमेरिकल्स को अपन सॉल्व करते हैं. व्हेन 100 ml ऑफ CH4 बर्न, 100 ml CH4 बर्न, देन इट प्रोड्यूस CO2 एंड H2O. फाइंड वॉल्यूम ऑफ O2 रिक्वायर्ड एंड CO2 प्रोड्यूस. आपको O2 के कितने वॉल्यूम की रिक्वायरमेंट है और CO2 का कितना वॉल्यूम प्रोड्यूस होगा. तो सबसे पहले तो क्या करेंगे अपन, इसके अंदर बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखेंगे. व्हेन CH4 बर्न देन इट प्रोड्यूस CO2 एंड H2O. क्लियर. देखिए CH4 क्या है, गैस है, O2 भी क्या है गैस है, CO2 भी क्या है गैस है, बट H2O इज द लिक्विड. सो इस ये रिएक्शन, ये जो ला है वो किसके लिए है, गैसेज रिएक्शन के लिए है. तो हम H2O के बारे में तो कुछ नहीं कह सकते, वी डजंट से एनीथिंग अबाउट द H2O बिकॉज इट इज द लिक्विड एंड दिस रूल सेज दैट ओनली अबाउट द गैसेज रिएक्शन. ये किसके लिए बोलता है ये रूल, गैसेज रिएक्शन के लिए बोलता है. वाट वी कैन डू फॉर द सोल्व ऑफ दिस क्वेश्चन, फर्स्टली यू बैलेंस द इक्वेशन. सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा. क्लियर. यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 4 है, यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है, तो यहाँ कितना कर देता हूँ मैं, 2 कर देता हूँ. चेक कार्बन 1, दिस इज ऑल्सो 1. क्लियर. एंड ऑक्सीजन इज 2 + 2 = 4. सो अपन ऐसा कह सकते हैं यहाँ कितना होगा, 2 ऑक्सीजन होगा. क्लियर. एंड कार्बन 1, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2 × 2 = 4, 2 + 2 = 4. क्लियर. रिएक्शन इज बैलेंस. आफ्टर अप्लाई द हाउ मेनी वॉल्यूम ऑफ CO2 कंबाइंड विद हाउ मेनी वॉल्यूम ऑफ O2 देन इट प्रोड्यूस द हाउ मेनी वॉल्यूम ऑफ CO2. 1 वॉल्यूम ऑफ CH4 कंबाइंड विद 2 वॉल्यूम ऑफ O2 देन इट फॉर्म द 1 वॉल्यूम ऑफ CO2 एंड वी डजंट से एनीथिंग अबाउट द H2O. और H2O के बारे में आप कुछ नहीं कह सकते क्योंकि H2O क्या है, यहाँ पे लिक्विड. इज दैट क्लियर. When 100 ml of CH4, it is the 100 ml. Then one volume का amount कितना है 100. तो 2 volume का amount कितना होगा, 2 volume का जो amount होगा वो कितना होगा आपके पास, the amount of 2 volume is the 200 ml. Clear. And what is the amount of the 1 volume which is the same, it is the 100 ml. This is very simple question of this. Clear. नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 60 ml N2 रिएक्ट विद 60 ml H2. क्या दिया हुआ आपको, 60 ml N2 रिएक्ट करिए किसके साथ, 60 ml N2 रिएक्ट विद 60 ml ऑफ H2. 60 ml ऑफ H2, 60 ml N2 रिएक्ट विद 60 ml ऑफ H2. 60 ml N2 है वो किसके साथ रिएक्ट कर रही है, 60 ml ऑफ H2 के साथ रिएक्ट कर रही है. Then find the composition of resultant mixture. Composition of resultant mixture. Clear? Think about that. When N2 combined with H2, then it form the NH3. It is the 3, it is the 2. देखिए ये odd है और ये क्या है, even है. Balance करने के लिए क्या कर दो, दोनों को ये इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको कितने से, 3 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो. क्लियर. एंड सी द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ N2 H2 एंड 2 NH3. क्लियर. तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे, 1 मोल ऑफ N2 कंबाइंड विद 3 मोल ऑफ H2 देन इट प्रोड्यूस द 2 मोल ऑफ NH3. इज दैट क्लियर. सो वी कैन से इट इज द 1 वॉल्यूम, इट इज द 3 वॉल्यूम, 1 वॉल्यूम ऑफ N2 कंबाइंड विद 3 वॉल्यूम ऑफ H2 then it produce the 2 volume of NH3. अब क्या कह रहा है ये, 60 ml N2 one volume का जो amount है वो कितना है, 60 ml है, तो 3 volume का amount कितना हो जाएगा, 180 ml हो जाएगा. clear. see again the equation, 60 ml N2 react with 60 ml H2. इस क्वेश्चन के अंदर अमाउंट ऑफ H2 कितना दे रखा है, 60 ही दे रखा है. तो आप कितना नहीं ले सकते, इतना तो है ही नहीं आपके पास. यू डजंट हैव दिस अमाउंट इन दिस क्वेश्चन, आपके पास ये अमाउंट इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं है. क्लियर. इट मीन्स H2 का अमाउंट आप 60 से ज्यादा नहीं ले सकते. इट मीन्स द अमाउंट ऑफ H2 डज नॉट टेकन हायर देन 60 से ज्यादा नहीं लेके लिया जा सकता. तो क्या करें,
इसको 60 करो, फिर इसका देखेंगे अपन कि एन टू कितना बचा है मेरे पास, इज दैट क्लियर? तो ये प्रोसेस तो क्या है, गलत है, क्यों? इन क्वेश्चन वी आर रेस्ट्रिक्टेड टू यूज ओनली द 60 ml H2। क्वेश्चन के अंदर हमें रेस्ट्रिक्ट किया गया है कि यूज ओनली द 60 ml H2, देन आफ्टर फाइंड द कंपोजिशन ऑफ द रिजल्टेंट मिक्सर। इट इज एक्चुअली दिस प्रॉब्लम रिलेटेड विद द लिमिटिंग रेजेंट। ये किसके किससे रिलेटेड है? लिमिटिंग रेजेंट है, और चैप्टर के लास्ट में बेसिक प्रिंसिपल ऑफ केमिस्ट्री के अंदर लास्ट में लिमिटिंग रेजेंट को भी अपन डिस्कस करेंगे, क्लियर? तो ये तो लिया नहीं जा सकता, तो क्या करो, मस्ट बी टेक ओनली द अमाउंट ऑफ द 60 ml O2, बट बिकॉज इन आवर क्वेश्चन वी आर रेस्ट्रिक्टेड यूज ओनली द 60 ml H2, क्लियर? देन इट इज वी यूज द 60 ml H2, देन वाट इज द अमाउंट ऑफ वन वॉल्यूम? इट इज द 20 ml, इट इज द 20 ml, इट मीन्स अनरिएक्टेड अमाउंट ऑफ N2 इज इक्वल टू कितना था आपके पास, ये ओरिजिनल अमाउंट इज 60, ओनली द 20 ml रिएक्ट, इट मीन्स इट इज द 40 ml, 40 ml अमाउंट ने रिएक्ट नहीं किया, क्लियर? वन वॉल्यूम ऑफ NH3 कंबाइंड विद 3 volume of H2 देन प्रोड्यूस द 2 volume of NH3, कितना वॉल्यूम प्रोड्यूस करती है? 2 volume। देन वाट इज द वैल्यू ऑफ वन वॉल्यूम? वैल्यू ऑफ वन वॉल्यूम इज द 20 ml, देन इट प्रोड्यूस द 40 ml, क्लियर? देखो ये जो 60 ml था ये कंप्लीट यूज हो चुका है, कंप्लीट यूज, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ NH3। ये क्या है, यहाँ क्या है, इतना तो क्या हुआ है, NH3 का फॉर्मेशन हुआ है। इट मीन्स अब देखो क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा था, कंपोजिशन ऑफ रिजल्टेंट मिक्सर, इन 60 में से 20 मोल ने क्या कर लिया, रिएक्ट कर लिया, व्हाट इज द रिमेनिंग मोल और वी कैन से द अनरिएक्टेड अमाउंट ऑफ N2 विच इज द 40 एंड द प्रोड्यूस अमाउंट ऑफ NH3 इज द 40, सो वी कैन से रिजल्टेंट मिक्सर इज इक्वल टू अनरिएक्टिव वॉल्यूम ऑफ N2 प्लस प्रोड्यूस वॉल्यूम ऑफ NH3। व्हाट इज द अनरिएक्टिव वॉल्यूम ऑफ N2 विच इज द 40 ml, दिस इज द 40 ml, एंड प्रोड्यूस वॉल्यूम ऑफ NH3 इज ऑल्सो द 40, इट गिव्स द 80 ml, इज दैट क्लियर? This is our 2 question which is related with the law of gaseous volume. Clear? Next we deal with the another rule, which is the Avogadro rule, which is the our 5th rule is the Avogadro rule. Is that clear? Avogadro rule says that, पहले हम इसको define कर लेते हैं, बाद में इसके procedure पे आएंगे. एट द सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेज कंटेन इक्वल नंबर of moles and hence equal number of molecule. Rule क्या कह रहा है, देखिए, at similar condition of temperature and pressure, we can say temperature pressure are the constant, clear? Then equal volume of gases contain the equal number of moles, clear?
एंड ऑल्सो द एंड हैंस इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। भाई जब मोल्स सेम है तो आप मॉलिक्यूल कैसे बनाते हो? मॉलिक्यूल इज इक्वल टू एन मोल्स मल्टीप्लाई विद एन। क्लियर? इट गिव्स द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। इज दैट क्लियर? इसको देखो अपन एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अपने पास एग्जांपल है, सपोज 20 लीटर हीलियम, 20 लीटर O2, 20 लीटर CO, 20 लीटर SO2। क्लियर? ये गैसेज है सब की सब आपके पास, O2 गैस एंड हीलियम गैस। क्लियर? इक्वल वॉल्यूम एट टेम्परेचर एंड प्रेशर इज द सेम। क्लियर? और आपके पास वॉल्यूम देखो क्या है, 20 लीटर है, दिस इज ऑल्सो कंटेंट 20 लीटर, दिस इज ऑल्सो द 20 लीटर। इज दैट क्लियर? इट मीन्स एट सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेज, इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेज कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मोल्स, इक्वल नंबर ऑफ मोल्स। तो मैं यहाँ लिखूंगा क्या, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स 20 लीटर हीलियम में भी क्या है, जितने नंबर ऑफ मोल्स है उतने किसके अंदर होंगे, इसके अंदर होंगे, उतने किसके अंदर होंगे, इसके अंदर होंगे, और ये भी ऑल्सो हैव द सेम नंबर ऑफ मोल्स। भाई ऐसा क्यों हो रहा है ये? बिकॉज वी नो दैट नंबर ऑफ मोल्स ऑल्सो फाइंड आउट बाई यूजिंग द वॉल्यूम टेकन इन लीटर डिवाइड बाई 22.4 लीटर। तो ये बात तो हम पहले से जानते हैं। देखिए इसका तो कोई फर्क पड़ने वाला है, डजंट मैटर इट इज हीलियम O2 CO एंड SO2, द वॉल्यूम इज 20, नाउ दिस टाइम 20, अगेन दिस टाइम 20, फर्दर दिस टाइम 20। इज दैट क्लियर? तो सबके अंदर तो नंबर ऑफ मोल्स तो क्या आने वाले थे, सेम ही आने वाले थे। इस बात पे तो कोई डिपेंड करता नहीं है कि हीलियम है, O2 है, CO है एंड SO2 है। क्लियर? और इसी को इसने क्या किया है, एक रूल बनाया है। क्लियर? अब हम यहाँ कह रहे हैं कि नंबर ऑफ मोल्स सेम है तो इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी सेम होंगे। देन व्हाट इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एन इंटू एन, इट इज ऑल्सो कंटेन द एन इंटू एन, दिस इज ऑल्सो कंटेन द एन इंटू एन, अगेन इट कंटेन द एन इंटू एन। इज दैट क्लियर? इसमें भी क्या आएंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, बट नंबर ऑफ एटम्स इट कंटेन ओनली द वन एटम, सो इट्स एटोमिसिटी, एटोमिसिटी इज इक्वल टू वन, दिस इज O2, इट कंटेन द टू एटम, इट मीन्स इट एटोमिसिटी इज द टू, इट कंटेन ऑल्सो द टू एटम, इट मीन्स द एटोमिसिटी ऑफ CO2 इज ऑल्सो टू, इट कंटेन द थ्री एटम, सो देयरफॉर द एटोमिसिटी ऑफ द SO2 इज इक्वल टू थ्री। देखिए एटोमिसिटी क्या है, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल, वन एटम वन एटोमिसिटी, टू एटम टू एटोमिसिटी हो जाएगी इसकी, टू हो जाएगी इसकी, कितनी हो जाएगी, थ्री हो जाएगी। देखिए हमने इस रूल के अंदर इतना कहा है कि नंबर ऑफ मोल्स सेम रहेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या रहेंगे, सेम, बट द नंबर ऑफ एटम्स मे बी डिफरेंट, मे बी डिफरेंट, नंबर ऑफ एटम्स मे बी डिफरेंट। इज दैट क्लियर? इट कंटेन द वन इंटू एन इंटू एन, इट कंटेन द टू इंटू एन इंटू एन, दिस इज द नंबर ऑफ एटम्स, इज ऑल्सो इट ऑल्सो कंटेन द एटोमिसिटी सेम, एटोमिसिटी इज द सेम ऑफ O2 एंड CO, बोथ आर कंटेन द टू एटम्स, सो वी कैन से द एटोमिसिटी ऑफ द O2 एंड CO2 इज द CO इज द सेम, दोनों की एटोमिसिटी क्या है, सेम है। तो 2 इंटू एन ए इंटू एन ए, दिस इज द 2 इंटू एन इंटू एन ए, एंड बट इट कंटेन द 3 इंटू एन इंटू एन ए। क्लियर? इट मीन्स नंबर ऑफ एट ए सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेज कंटेन द इक्वल नंबर ऑफ मोल्स, ऑल्सो कंटेन द इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, बट द नंबर ऑफ एटम्स मे बी डिफरेंट, नंबर ऑफ एटम्स मे बी डिफरेंट। इफ एटोमिसिटी इज सेम, इफ एटोमिसिटी सेम, एटोमिसिटी इज सेम, देन नंबर ऑफ एटम, देन नंबर ऑफ एटम ऑल्सो सेम।
यदि किसी की एटोमिसिटी सेम हो जाएगी किन्हीं दो गैसों की, तो उनके अंदर नंबर ऑफ एटम्स भी क्या रहेंगे सेम. फॉर एग्जाम्पल दिस इज द 2 × n × Na, दिस इज ऑल्सो द 2 × n × Na, सो वी कैन से 20 लीटर O2 and 20 लीटर CO बोथ हैव द सेम नंबर ऑफ मोल अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ऑफ गैडरोला, सेम नंबर ऑफ मोलिक्यूल अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, बट द एटोमिसिटी ऑफ O2 एंड CO ऑल्सो द सेम. दोनों की एटोमिसिटी क्या है, सेम है. देन वी कैन से इट ऑल्सो कंटेन द सेम नंबर ऑफ एटम. इज दैट क्लियर?